धनबाद जिला राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन लूबी सर्कुलर रोड स्थित उत्सव भवन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव समेत प्रदेश कमेटी के नेता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के सम्मान को लेकर चर्चा भी की गई, साथ ही साथ झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से भी अवगत करवाया गया। वहीं महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अनवरी खातून ने कहा कि देश में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है, केंद्र सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही साथ धनबाद विधानसभा क्षेत्र के 6 सीटों में भी महिलाओं को हक मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, महिला सम्मान तो पहले से भी भारत देश में महिला सम्मान मिलता है। आज जो मेरी बहन हमारी खान बात का जिला अध्यक्ष है महिला, वो इस कार्यक्रम को विकृत किया है और सभी को बुलाया। आप जानते हैं ये राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। जो मेरी बहन घर में काम करती है, बाहर में काम करती है, उसकी राष्ट्रीय जनता दल उसी का भाग एक मेरा जिला को जिला अध्यक्ष अनवरी खातून जी है। ये पूरे महिला के जो बुलाई है, विश्वास इस पर लोग किया है। ये जो मेरी बहन को मिला है राष्ट्रीय जनता दल विधायक भी, आपको जानकारी है, जो कपड़ा धोने वाले के राष्ट्रीय जनता दल विधायक बनाए हैं, उसको बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय जनता दल बराबर सम्मान देने का काम किया है, सामाजिक ताना बाना बना रहे, बराबर राष्ट्रीय जनता दल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, ये भाई समाज में ताना बाना बना रहे। हम महिला को हम लोग सम्मान करते हैं, मेरा पार्टी भी सम्मान करती है। अनवरी जी इसको जो कार्यक्रम किए हैं सराहनीय है। हम लोग चाहेंगे कोई ऐसा काम होता है महिला महिलाओं के सम्मान के लिए। हमारे महिलाओं बेरोजगार है, उनको रोजगार दिलाने का काम करें। और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, उनसे निजात दें दिलाने के लिए। और हम चाहेंगे, हम अपने लालू प्रसाद यादव जी से कहना चाहेंगे कि हमारे धनबाद में 6 सीट हैं, तो कुछ महिलाओं को भी अधिकार है, महिलाओं पर भी बात हो, चर्चा हो। इन्हीं के लिए हम मिलन समारोह महिला का रखे हैं, को भी सीट मिलना चाहिए। जो कार्यक्रम था, आरजेडी ने यह तय किया है कि देश में महिलाओं को जो है सम्मान जो है देने का काम करेंगे हम। सम्मान देने के पीछे क्या है कि उनको जो है राजनीति में जो है योजनाएं तो बहुत आती है, मगर उनको सबल बनाने के लिए जिस तरह मंडल आयोग ला के हम लोग जो है पिछड़ों को सबल बनाया, उस तरह एक ये प्रयास है कि जो है आगे जाकर महिलाओं को सबल बनाने के लिए, इनके जो है उत्थान करने के लिए इनको राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जगह दें और सब जगह जो है इनको पदा संगठन में भी पदाधिकारी बनाएं और ज़्यादा से जानकारी इनका हिस्सेदारी तय करवाएं। ठीक है।